जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी। मित्रों, चंद्रवन्नी भक्त रस चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवन्नी भक्त रस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आदर सत्य माँ भगवती से करवत प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपके समस्त मनोरथों को समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो चंद्रवन्नी भक्त रस चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा कार्यक्रम होगा वह होगा सिंह राशि के जातकों के लिए। तो सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए आने वाला जुलाई 2024 का महीना कैसा रहेगा और सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई के महीने में जो है आपके लिए यह महीना आपके करियर के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए कैसा रहेगा। साथ ही साथ जो है शुभ रंग शुभ अंक की भी बात करेंगे और वीडियो के अंतिम में बात करेंगे सुंदर सटीक से उपाय की, जिस उपाय को करके सिंह राशि के जातक इस जुलाई 2024 के महीने को सुफलदायी बना सकेंगे, लाभदायी बना सकेंगे। तो जितने भी सिंह राशि के जातक हैं वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो ज्यादा देर ना करते हुए बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। सर्वप्रथम बात करेंगे जुलाई के महीने में सिंह राशि के जातकों के पारिवारिक स्थिति की। तो जितने भी सिंह राशि के जातक हैं आपके लिए जुलाई 2024 के अनुसार आपके परिवार का मन जो है आध्यात्मिकता की ओर ज्यादा रहेगा, भगवान की तरफ जो है आप उन आपके परिवार वालों का ध्यान ज्यादा रहेगा, अध्यात्म की तरफ ज्यादा रहेंगे, दूसरों की भलाई की ओर जो है इस महीने सबका झुकाव रहने वाला है और जुलाई में जो है सिंह राशि वाले जो जातक हैं वह भावुक रहेंगे, घर वालों के प्रति मन में आपकी श्रद्धा बढ़ती हुई दिख रही है और इस समय जो है भाई बहन का ध्यान भी आपको रखना होगा। जुलाई में जो है परिवार में कोई नई खुशी भी जो है सिंह राशि के जातकों के परिवार में आ सकती है, कोई नई खुशी प्राप्त आपको हो सकती है। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई 2024 के अनुसार आपका व्यापार और नौकरी। तो जो व्यापार करने वाले सिंह राशि के जातक हैं उनका व्यापार कैसा रहेगा, जो नौकरी करने वाले जातक हैं उनकी नौकरी की स्थिति कैसी रहेगी। तो जुलाई 2024 के अनुसार सिंह राशि वालों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण यह महीना होने वाला है। इस महीने व्यापार के लिए सिंह राशि वाले जो हैं वह नए समझौते करने में भी सफल रहेंगे, अच्छे से विचार विमर्श करके भी निर्णय लेंगे, अच्छे से विचार विमर्श करके कोई निर्णय आप लेंगे जिससे यह भविष्य के लिए आपके लिए लाभदायक होगा। किसी के प्रति शत्रुता का भाव आपको नहीं रखना है और शत्रु से भी अच्छा व्यवहार आपको करना है। नौकरी कर रहे लोगों को काम में बाधाएं आ सकती हैं, इससे जो है स्वभाव थोड़ा सा आपका चिड़चिड़ा रह सकता है और ऑफिस में जो है किसी से अनबन भी आपकी हो सकती है, विवाद भी हो सकता है। इसलिए सिंह राशि के जातकों को इस महीने धैर्य का परिचय देना है। सरकारी नौकरी कर रहे जो जातक हैं वे थोड़ा सा अशांत इस महीने जरूर रह सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए शिक्षा और करियर की क्या स्थिति रहेगी जुलाई 2024 के अनुसार। तो जितने भी सिंह राशि के जातक स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे छात्र हैं, तो स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को जुलाई के महीने में दोस्तों की ओर से चुनौती का सामना आपको करना पड़ सकता है, कोई चुनौतियां अपने दोस्तों की तरफ से आपको मिल सकती है। हालांकि इनका सामना आपको करना जरूर पड़ेगा और उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को अपने क्षेत्र के प्रति जो है झुकाव आपका कम रहने वाला है। इस दौरान जो है वे अपने मनपसंद के कामों में जैसे नृत्य, चित्रकारी, लेखन में ज्यादा समय बिताएंगे, यानी कि अन्य कार्यों में लगे रहेंगे। वहीं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जो जातक हैं सिंह राशि के, तो ऐसे छात्र जो हैं इस जुलाई के महीने नए विकल्पों की खोज में रहने वाले हैं। उनका ध्यान जो है पढ़ाई से हटकर कुछ नया करने का होगा, लेकिन इससे पहले इसके बारे में अपने बड़ों से आपको विचार विमर्श जरूर कर लेना है। अवश्य विचार विमर्श करें, सोच समझ कर ही कोई आपको निर्णय लेना है। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई 2024 के अनुसार आपका प्रेम जीवन की क्या स्थिति रहने वाली है। तो जितने भी शादीशुदा लोग हैं, विवाहित लोग हैं सिंह राशि के जातक, तो विवाहित लोगों को अपने जीवन साथी के साथ जो है घूमने की योजना बना सकते हैं, कहीं बाहर घूमने की योजना आपकी बनेगी, लेकिन शायद आप जो है इस योजना में सफल नहीं हो पाएंगे।
ऐसे में वे आसपास कुछ रोमांटिक प्लान कर सकते हैं जिससे आप दोनों के बीच में आपसी संबंध जो है मजबूत रहेंगे। जो विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं सिंह राशि के जातक, जो अभी जिनका विवाह नहीं हुआ है विवाह की प्रतीक्षा में है, तो विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को रिश्तेदारी में से किसी की रिश्तेदारी में से जो है किसी की ओर से अच्छा प्रस्ताव आपको प्राप्त हो सकता है। आपकी रिश्तेदारी में से कोई आपके लिए अच्छा प्रस्ताव जो है विवाह का लेके आ सकता है इस जुलाई के महीने में। अब बात करते हैं जो सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए जुलाई के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मुख्य बिंदु जो स्वास्थ्य है वह आपका कैसा रहेगा। तो सिंह राशि के जो जातक हैं जुलाई के महीने में जो है आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे, लेकिन सर्दी जुकाम की समस्या आपको परेशान जरूर कर सकती है। मानसिक रूप से आप जो है स्वस्थ रहेंगे और नए नए कार्यों को करने के बारे में आपके मन में नए नए विचार भी आते रहेंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई 2024 के अनुसार आपके लिए भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग कौन कौन से होंगे। तो सिंह राशि के जो जातक हैं आपके लिए अगर भाग्यशाली अंक की बात करें इस जुलाई के महीने में, तो भाग्यशाली अंक आपके लिए होगा 9। और भाग्यशाली रंग की अगर हम बात करें तो भाग्यशाली रंग आपके लिए इस जुलाई के महीने में होगा स्लेटी। तो इसलिए आपको जो है इन दोनों को प्राथमिकता जरूर देनी है। 9 अंक को और स्लेटी रंग को आपको इस जुलाई के महीने में अत्यधिक प्राथमिकता देनी है जिससे आपको इस जुलाई के महीने में राहत मिलेगी। तो इसलिए जुलाई में जो है सिंह राशि के जातकों को इस नंबर यानी कि 9 नंबर और स्लेटी रंग को जो है आपको इस पे ज्यादा ध्यान देगा देना होगा, इसका प्रयोग आपको ज्यादा करना होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए इस जुलाई के महीने में कौन सा उपाय आप करें, कौन सा सटीक उपाय करें जिस उपाय को करके आप इस जुलाई के महीने को सुफलदायी बना सकें, लाभदायी बना सकें और भी लाभदायी आप बना सकें। तो जितने भी सिंह राशि के जातक हैं सिंह राशि के जातकों को इस जुलाई के महीने में जो है आपको सूर्य नारायण भगवान की आपको पूजा करनी है, विष्णु भगवान का आपका आपको पूजन करना है और आपको सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षरी मंत्र का आपको जाप करना है। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं और सूर्य भगवान का पूजन करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, तो आप इस जुलाई के महीने को और भी सुफलदायी बना पाएंगे। इसलिए आपको इस जुलाई के महीने में यह उपाय जरूर करने हैं, तो यह उपाय जरूर करें और जुलाई के महीने को आनंददायी बनाएं। तो आज का यह कार्यक्रम आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो आज का कार्यक्रम यहीं पे करेंगे समाप्त, पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक माँ भगवती आपके समस्त मनोरथों को समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता।